हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोग सब सही हैं और सेफ हैं। तो आज हो गया है मुझे काफ़ी दिन व्लॉग ना किए हुए। लास्ट व्लॉग शायद मेरा जन्माष्टमी वाला व्लॉग गया था इस चैनल पे। और आज मैं जा रही हूँ रायपुर एज यूजुअल अपने शो के लिए। तो काफ़ी दिन हो गया है मुझे व्लॉग किए, तो मैंने सोचा, दो दिन पहले भी मैंने सोचा था, बट मेरी प्रॉब्लम एक ही हो जाती है ना कि उठ के, मतलब ये जो इंट्रो करना होता है ना, उसके बाद एक बार अगर इंट्रो हो गया ना तो मैं सारा दिन ब्लॉग कर सकती हूँ, मुझे पता है। और तो आज मैंने सोचा था कि मुझे ब्लॉग करना ही करना है, बिकॉज शो पे जा रहे हैं तो हमारी मस्ती रहती है एंड आई रियली वॉन्ट टू क्रिएट सम मेमोरीज, राइट। तो मतलब मैं ना ब्लॉग ज़्यादातर इसलिए करना चाहती हूँ कि मेमोरीज रहे मेरे पास, और जब मैं बुढ़ी हो जाऊँ या फिर जब मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूँ तो हमेशा ये सब देख के एकदम रिवाइव करती रहूँ अपनी यादें। और बस यही, हम लोग काफ़ी मस्ती वस्ती करते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ब्लॉग करूँ, छोटा हो बड़ा हो चाहे जैसा भी हो। मैं हम लोग जा रहे हैं फॉर 2 डेज, दो दिन हमारा शो है। तो क्या तो मैं सोची कि ब्लॉग करते हैं और मेमोरीज क्रिएट करते हैं, मेमोरीज उसको क्या बोलते हैं, बना कर रखते हैं। तो बाद में देखेंगे तो हंसेंगे हम लोग खुद पर ही कि हम लोग क्या करते थे, क्या पागलपन करते थे, यही सब। मुझे बहुत, मतलब मेमोरीज रखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक मैं बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ भी है जो मैं डिलीट नहीं करती हूँ, मतलब मुझसे नहीं होता डिलीट, ये हाथ एकदम नहीं दबता है, मतलब बहुत ऐसा है। मतलब इसलिए मेरा फ़ोन आधा इसीलिए भरा पड़ा रहता है कि इतने सारे पिक्स हैं, इतने सारे वीडियोस हैं कि मैं डिलीट ही नहीं करना चाहती हूँ। सो बस यही रीजंस है कि मुझे मेमोरीज पसंद है रखना देखना। तो बस ये, आप रे कितना बोल देती हूँ ना मैं, ओह माय गॉड। ओके, तो मैं नहा धो के पूरा रेडी हूँ। अभी कितने बजे है पता नहीं, ये घड़ी नहीं है यार मेरे हाथ में, मुझे ना वॉच भी ना, मेरा हाथ बहुत बेकार लगता है इसलिए मैं ये बांध के घूमती रहती हूँ हमेशा। मेरे पास 2 घड़ियाँ हैं, वो दोनों ही अभी ख़राब हो चुकी है, दोनों को दिखाना है, मतलब बैटरी होगा ऑब्वियसली, बैटरी लगवाना है ये वो। तो बस टाइम नहीं मिल पा रहा है जाने का, करवाने का ठीक। तो इस बार तो मैं पक्का जाने वाली हूँ क्योंकि बिना घड़ी के मेरा हाथ बहुत बेकार लगता है। तो बस टाइम 1:30 बजे के करीब हम लोग निकल जाएंगे। अभी हो रही है यहाँ पे धूप अच्छी खासी, क्योंकि थोड़ी देर पहले काफ़ी बारिश हो रही थी। और आज था मेरी दादी का श्राद्ध और खाना पीना मम्मी ने रेडी कर दिया है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट करके मैं अभी निकलूँगी और खाना ट्रेन में खाएंगे और बस। तो मिलते हैं, कहाँ जा रही है? मेरे साथ यहाँ तक छोड़ूंगा पागल। क्या हो गया सानिया, सबका बैग भरा हुआ है।
ब्रांड डायरी फर्स्ट में लिखा है माय पर्सनल डायरी, प्लीज डू नॉट टच माय डायरी। और यहाँ पे उसकी पूरी दिल की बातें लिखी है, ये तो मैं पढ़ के सुनाऊंगी। अरे इधर छोटा वाला की लिखे थे बिचारी ना, थोड़ा पास में लाओ सुनाई नहीं देगा। जिंदगी में हर एक एक चीज जरूरत होती है, वो जो भी हो, वाह 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 वाह, सभी जरूरी है, वाह 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 वाह, छोटी हो या बड़ी सब। कोई भी छोटी चीज, कोई भी छोटी चीज फेंकना नहीं चाहिए, चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हें पता है किया, तुम जानती हो वो छाती चीज तुम्हें जरूरत है, और किसी बड़ी चीज तो छोड़ ही दो, वो सभी की लाइफ में इम्पोर्टेंट है। क्या है क्या है? अगर तू उनको सुंदर बनाई ना, ना, ये हट यहाँ से, ये अंतरा है, ये मेरे को बनाई है। नाम देखे थे, नाम मैंने अंतरा को ऐसा बनाया, उसने मेरे को ऐसा बनाया, अब ये तीसरी दी को बना दी, तीसरी दी ये है। नाक है। हम लोग का तो नाक ही नहीं बनाई थी, हम लोग का नाक नहीं है। कारीगर हम लोग, ये सुबह उठ गए हैं और हम लोग अपना सारा पोट लगा ये ले रहे हैं फोटो। हालत देखो, ये सब बैग उठा उठा के, इतने बारी बारी बैग उठा उठा के, हम लोग का कमर, पैर, गर्दन सब गया। मम्मी लोग का एड्स हो जाएंगे तो क्या होगा? हाँ नष्ट हो होटल आ चुके हैं अभी और सब फ्रेश हो रहा है। सबसे पहले अंतरा गई है, फिर सब लाइन से जाएगा और मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग चुकी है, पता नहीं क्यों। पता है आपको, मैं डायरेक्ट मतलब अवॉइड की कल पूरा कि मैं डायरेक्ट पंखा के नीचे ना सोऊं, तो मैं थोड़ी देर सोई, मुझे समझ आया, हाँ फिर समझ आया कि मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी मैं उससे सो गई। उसके बाद भी अभी हालत देखो मेरा, मैं बोलने वा रही हूँ और इसके वजह से इतना धूप में आ गई ना अभी, तो आता पूरा ऐसे हो रहा है एकदम। तो अभी सब फ्रेश हो जाएगा, मैं होऊंगी सबसे लास्ट में आराम से, फिर मेरा खाना आएगा, खा के 1 बजे हम लोग निकल जाएंगे, निकल के 3 बजे से हमारा शो है और वहाँ पे जाकर हम लोग मेकअप करेंगे, यहाँ से नहीं करके जाने का टाइम है बिल्कुल भी। सो मिलते हैं फिर। रेडी आप सब? 1 2 3 4 मार। सो अभी हम लोग आ गए हैं, रेडी हो गए, आधा मेकअप कार में किया, आधा मेकअप यहाँ आके किया। अभी बज रहे कितने? 3:30 बजे बोला था स्टार्ट हो जाएगा, बट एज यूजुअल स्टार्ट नहीं हुआ।
और सब यहाँ पे रेडी है, पूरा ग्रीन रूम। सब अपना अपना फोन में लगे हुए, आधे लोग सब रेडी होके बैठे। जॉले लेंगे, सोने का तैयारी कर रही हूँ, सोच रही हूँ किस हॉस्टल में सो, जो आपको प्रॉब्लम ना हो इस कपड़ा को पहन के। एक सेकेंड, शाहिब बेस्ट करता है। शाहिब हरी क्या कर रहा है? आपका हाथ में कुछ देखी हुआ है? क्या हुआ इसको? अभी नहीं करेंगे ना। हट ना, सर्दी लग गया होगा। कैसे सर्दी कैसे लगा? नाकू में। कैसे नाक टानते हो? तो अभी नहीं टान सकती, मेकअप है। थोड़ा टान के दिखा ऐसे। पूरे डोरे मोहन लग रहे, ब्लू ब्लू पहन। तुम डोरे मोहन हो? मैं निंजा तौर। गाना दिखा दो। गाना ये क्या है? खंबा खंबा दा है। अरे गाना सुना तो निंजा तरीका। बाहर पहाड़ों से ऊपर जंगल के पास एक गान अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी उसके घर आया यार, बड़ी बड़ी आंखें बड़ी करके दिखाओ, सिर पे टोपी और गाल मोटा सा, तेजी का इसकी नहीं कोई ठिकाना, कितना है पक्का देखो इसका निशाना, हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार, हंसता और हंसाता है ये असली निंजा, मैं हूँ एक निंजा, फूल टूट जैसा इसका स्टाइल रहेगा, दोस्तों के लिए बड़ी मेहनत करेगा, तेजी का इसकी नहीं कोई ठिकाना, कितना है पक्का देखो इसका निशाना। ठीक है ओके, अब शिनचैन हो, अब शिनचैन बन के दिखाओ। शिनचैन वाला मैं टोन भूल गया, नहीं आएगा रूम ना, नहीं अभी आएगा, थोड़ा करके दिखा दो सबको। नहीं आ रहा। आएगा अंदर से निंजा हथौड़ी अंदर। नहीं अंदर, अभी अभी निंजा को बाहर कर निकल दो, निकल के निंजा को बाहर करके शिनचैन को घुसा। नो अभी रेडी हो रहे हैं, जस्ट सोलो करके, हाँ जस्ट सोलो करके आइए बेली। तो अभी सब रेडी, हाँ अभी सब रेडी हो रहे हैं। बाल खोला था फिर बांधो, फिर खोलो फिर बांधो, इनको काय में कराते हैं सोलो। हाँ मोदी पूरा पूरा कॉस्ट्यूम दिखाती हूँ। हाँ अगर मोदी आप देख रहे हो, मेरे को अभी 3 सोलो परफॉर्मर तो चाहिए इस ग्रुप में, अकेले आई कांट डू इट। एक जन करेगा, छोटी जा रही और करते 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 एक जन करेगा लगा हेलो ए ये मत देखो। ओके अभी प्रथमे बोले दी प्रथमे व्यापारटा হচ্ছে আগে পারফরম্যান্স আমার हिंदी पहले क्या हुआ आप बोल रहे हो? क्या हुआ था पहला परफॉर्मेंस में नाम लेके? अंतरा का पहला मतलब पहले जो ग्रुप परफॉर्म किया था उसमें उसका ब्लाउज पीछे से खुल गया, पूरा नीचे आ गया। हम लोग का क्या हर जगह ये रूल है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो स्टेज से उतर जाना, ये स्टेज से उतरी नहीं, खाली बोल रही है वो क्या कुछ ना खुल रहा है खाली ये कर रही है ऑल स्टेज। अब मुझे प्रॉपर समझ नहीं आया, अगर मुझे समझ आता तो मैं इसको बोल देती कि तू निकल जा ऑन स्टेज से। नहीं उसके बाद अपने पार्टनर को बोल रही है कुछ मैनेज करो, पार्टनर क्या मैनेज, पार्टनर का नाम भी बोल दो, पिंटू दा। पिंटू दा अब पिंटू दा तनिया दुशार পিন্টু দা এবার এই এই যে আমরা এখন এই কস্টিউমটা পরে আছে, এবার যদি আমার এখন এই কস্টিউমটা খুলে যায় তো আমি কি করব অন স্টেজ? চলো পিন্টু দা আমরা ধরো ডান্স করছি। পিন্টু দা আজকে কি হয়েছে? আমার একটা সোলো পারফর্ম ছিল, ঠিক আছে? একটা মানে ওই এক মানে তো সোলো না একটা না সরি সরি মানে একটু বলো ফুলটা হিন্দিতে
मतलब माधुरी मिक्स है, उसमें हम लोग वन बाय वन करके सब जाते हैं। तो उसमें तो जो एक रहता है तू सा दो एक सेकंड एक मिनट का भी गाना नहीं रहता है। हाँ, उसमें सोलो की अब तो बैक स्टेज पहले परफॉर्मेंस के पहले मैं बैक स्टेज प्रैक्टिस कर रही थी। आज तक मेरे को बोला कि एक दो तीन और मेरा ना ये उंगली कुछ कुछ करके निकल जा रहा है, ये उंगली उंगली कुछ करके निकल रहा। आज मैंने बोला कि तीन ही निकलेगा, चार नहीं निकलेगा, बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत वो गाना एक दो तीन म्यूजिक चल रहा था, लिरिक्स नहीं घुसा मैं ऐसे वन टू करके खड़ा हो गया करके दाढ़ी है बैक स्टेज पागल हो रही हूँ दो इतना मैंने बोला कि उंगली तीन ही निकल चाहे मेरा दो ही निकल गया पहले ही गाना लिरिक्स पहले ऐसे कर मतलब हुआ क्या इसको लगा कि लिरिक्स आ गया है लेकिन हाँ। वो आया नहीं गाना ही म्यूजिक ही चल रहा था नेक्स्ट लाइन से लिरिक्स आने वाला था लीली 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 आने वाला था लीली सो हम लोगों का हो गया है पैक अप हम लोग अब जाएंगे मैं हाल दिखाती हूँ ग्रीन रूम का हम लोग का ग्रीन रूम का हालत है आप रे जिसमें से आधी चीजें अभी उसको क्या बोलते हैं समेटना हो चुका है ये तितली दी अंतरा तान्या बाकी चार लड़के हम लड़की लोग का पैकिंग जो करना होता है वो हो चुका है अब लड़के अपना कर रहे हैं एंड दिस इज मी बहुत पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है बहुत ज्यादा होटल रूम और फ्रेश हो गए हैं शांति मिल गई है मुंह से सब कुछ उतार के अभी ये लोग सब काय भाए कर रही है पिलो नहीं देखेगा पिलो नहीं देखेगा पिलो पानी कुछ भी नहीं देखेगा पानी तो पी रही है वो हाँ पानी बहुत है टेंशन क्या है सो अब हम लोग खाना मेरा आ गया है इन लोग का खाना आ रहा है और क्या और क्या खाना वाना खाएंगे हाँ। बकबक करेंगे क्योंकि बकबक हम लोग का बंद नहीं होता है पूरा गाड़ी हम लोग गाना गा रहे हैं सारा दिन नाचिए फिर भी शांति नहीं है ऐसे मैं ना घर में करती हूँ पैरों को तो मम्मी बार बार मेरे को बोलती है अच्छा एक बार और करके दिखा एक बार और करके दिखा मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे किया ये लड़की अपना ट्रीटमेंट कर रही है गालों का मैंने सिर्फ फेस वॉश किया उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं किया तूने एक बार बता दिया मेरे ब्लॉग में बार बार मत दादा एंड तो करते थे सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई लव यू ऑल और आप लोगों को ये वीडियो हम लोग का पागलपंती पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और भैया प्लीज झाड़ू दे दीजिए ना भैया प्लीज और चाहिए तो चार लड़की है ना भैया झाड़ू भैया को हम लोग बोल रहे हैं झाड़ू देने के लिए क्योंकि रूम काफी गंदा है और गंदगी में मेरे से खाया पिया नहीं जाता तो पहले साफ करेंगे कमरा उसके बाद खाएंगे और फिर सो जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टायर्ड है नींद किसी की ढंग से हो ही नहीं है जल्दी सोएंगे कल भी शो है तो जल्दी उठना होगा क्योंकि ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके उसके बाद फटाफट ही आई थिंक रेडी होना पड़ेगा क्योंकि जल्दी ही शो है कल भी So, thank you for watching. Bye. I love you all.